दोस्तों भारतीय टीम ने अफगानिस्तान से जीता 100% आ रहा हुआ दूसरा T20 मुकाबला, और इस मुकाबले को जीतने के बाद भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की टीम को कैसे रौंदा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला इंदौर के मैदान पर खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा गुलबुद्दीन ने 57 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए सबसे ज्यादा हर्षदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों फारूकी ने रोहित शर्मा को बिना कोई खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे से उड़ा कर रख दिए, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 68 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों शिवम दुबे भी कम नहीं थे, और एक चोट पर यानी शिवम दुबे ने अपनी पहली 22 गेंदों में शतक ठोक दिया था, और इस तरीके से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीतकर इतिहास रच दिया। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया के लिए कांग्रेचुलेशंस लिखना बिल्कुल ना भूलें।